13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इसराइल पर बहुत बड़ा हमला किया था और इस हमले के बाद से ही इसराइल ने ऐलान किया था कि वो ईरान को इसकी सजा देकर ही रहेगा। और तब से ही कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि अब ईरान के परमाणु ठिकाने महफूज नहीं हैं। किसी भी वक्त इजरायली सेना उन पर हमला कर सकती है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल से कह चुके हैं कि वो इस हमले में इजरायल का साथ नहीं देंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अगर इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो इससे अमेरिकी हितों को नुकसान हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर इजरायल ईरान पर जवाबी हमला करता है तो कब और कैसे हमला करेगा। और इस हमले में वो ईरान पर कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल दुनिया के कई जानकारों का मानना है कि ईरान ने इजरायल पर जिस तरह से हमला किया था, इजरायल बिल्कुल उसके उलट ईरान पर हमला करेगा। मतलब ये हुआ कि इजरायल ईरान पर ऐसा हमला करेगा जिसकी गूंज काफी दूर तक और काफी समय तक ईरान में सुनाई देगी। जानकारों का मानना है कि इजरायल ईरान के संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एयरबेस और परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है, और ऐसे ऑपरेशंस के लिए इजरायली सेना पूरी तरह से आज के जमाने के हथियारों से लैस है। इजरायल के पास 39 स्वदेशी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। यह आंकड़ा दुनिया में पांचवी सबसे बड़ी इन्वेंट्री में आता है। इसको लेकर स्काई न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इजरायल के ये लड़ाकू जेट्स बेहद ही तेज हैं। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि इजरायल के ये लड़ाकू जेट्स पहले ही ईरान के हवाई क्षेत्र के आसपास सर्विलांस मिशन में मंडरा रहे हैं, जिनका पता खुद ईरान को नहीं है। डेटा एंड फोरेंसिक के मुताबिक इजरायल के पास 75 F-15 जेट्स हैं, जिसकी स्पीड 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है। ITF के पास 196 F-16 जेट्स हैं, जिनकी स्पीड 2469 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा इजरायल के पास 39 F-35 जेट्स हैं, जिनकी स्पीड करीब 1975 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि इजरायल के इस ऐलान को लेकर ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी साफ कह चुके हैं कि इजरायल के हमलों का तुरंत जवाब दिया जाएगा। اگر پوچ کریم چهار روزی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک وطن ما صورت بگیرد و به منافع جمهوری اسلامی ایران یقین بدانند برخوردی بسیار شدید و سهمگین با آنها خواهد شد. لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اسرائیل کے ہوائی حملوں کا سامنا کرنے کے لیے ایران حقیقت میں کتنا طاقتور ہے؟ تو آپ کو بتا دیں کہ کئی جانکاروں کا کہنا ہے کہ حالیہ ورشوں میں ईरान ने अपने एयर डिफेंस को काफी मजबूत किया है, लेकिन हकीकत में वो कितने ताकतवर और मजबूत हैं, इसका अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS के रिसर्च फेलो फाबियन हिंस का कहना है कि ईरान की हवाई ताकत कितनी मजबूत है, ये अपने आप में एक खुला सवाल है। आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि ईरान के पास 42 लॉन्ग रेंज जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर हैं, जिसमें 32 रूसी S-300 लॉन्चर्स भी हैं, जो ईरान ने 2016 में रूस से खरीदे थे। और ईरान के इस एयर डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए 2018 में इजरायली पायलट्स यूक्रेन गए थे, जहां पर उन्होंने S-300 से बचने के गुण सीखे थे, क्योंकि यूक्रेन के पास S-300 मिसाइल लॉन्चर पहले से ही है। और यही वजह है कि ईरान को खुद के एयर डिफेंस में भारी भरकम पैसा लगाना पड़ा, जिससे वो खुद अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर सके।